जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एयरमैनशिप। तो एनसीसी का ये एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है, तो इसको आज हम कवर करेंगे, देखेंगे इसके इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं और पढ़ते हैं हम आगे। एरोड्रोम, तो एरोड्रोम सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ दो पिक्चर्स दी हुई हैं। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि एक पिक्चर दी हुई है जिसमें वाटर के ऊपर में बहुत सारे प्लेन्स हैं, यहाँ पे एक हार्बर जैसा बना हुआ है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे एक एयरपोर्ट है जो ज़मीन के ऊपर है। तो बेसिकली एरोड्रोम एक ऐसा एरिया होता है लैंड और वाटर दोनों पे, जहाँ पे बिल्डिंग्स होती हैं, इंस्टॉलेशंस होते हैं और बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं एयरक्राफ्ट के मूवमेंट, अराइवल, डिपार्चर को फैसिलिटेट करने के लिए। एयरफील्ड देखते हैं अब हम क्या है। एयरफील्ड एक ऐसा एरिया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसा एरिया आपको दिख रहा है जहाँ पर कुछ नहीं है आसपास में, सिर्फ एक दो पट्टियाँ दिख रही हैं और वो भी है जो कि रनवेज़। यहाँ पे सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग्स की जा सकती हैं, यहाँ कोई बिल्डिंग इंस्टॉलेशंस नहीं होती और ये सिर्फ ज़मीनों पर होता है, उसे कहा जाता है एयरफील्ड। एयरपोर्ट पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सिविल फ्लाइंग एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, मतलब कि क्या हुआ कि यहाँ पे सिविल फ्लाइंग्स होती हैं, यानी कि आदमी आ जा सकते हैं या सामान वगैरह आया जा सकता है इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक में। यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, पोर्टिंग फैसिलिटी होती है, सामान लाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, स्टोरेज किया जा सकता है, तो ये सारी और कई सारी फैसिलिटीज़ और भी होती हैं एयरपोर्ट पर। तो अब हम देखते हैं एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट। तो एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि सेंटर में ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर क्या है, ये है एक एयरपोर्ट रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे बेसिकली हम इस इंडिकेशन मार्क को मार्क करते हैं कहीं पे भी, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये लोकेशन है। कोई फ्लाइट से अगर उड़ के आ रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज्योग्राफिकल लोकेशन है, तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन बताता है। और ये ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसे बताता है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये आपको यहाँ ऐसा दिख रहा होगा, तो ये डिग्रीज, मिनट्स और सेकेंड्स में हमको बताता है। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ज्योग्राफिकल लोकेशन बताता है हमें एरोड्रोम का, रनवे, या अगर मान लो कि सिंगल रनवे है, सिंगल रनवे होगा तो यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट होगा, और ये इसमें तीन चार रनवेज हैं तो इसका इनका मिड सेंटर पॉइंट निकाला जाता है जो कि ये है। ओके, तो अब हम देखते हैं एरोड्रोम ट्रैफिक जोन क्या है। तो एरोड्रोम ट्रैफिक जोन इसको क्या होता है, तो बेसिकली देखो ये है एक पिक्चर, इसमें आप आराम से देख सकते हैं कि ये एक एरोड्रोम ट्रैफिक जोन है। नीचे आप देख सकते हैं ये जो है, ये एरिया जो है हमारा, ये हमारा एयरपोर्ट है या रनवेज़ है। इसके ऊपर जो हाइट है ये है 2000 फीट का ऊपर हाइट, और ये जो सर्कल यहाँ बन रहा है, ये जो रेडियस है, ये है 1.5 नॉटिकल माइल्स का। तो ये इतना जो ये का जो बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है, इतना एरिया जो है इसे कहा जाता है बेसिकली एरोड्रोम ट्रैफिक जोन। तो इस एरिया के अंदर सब कुछ कंट्रोल किया जाता है, मूवमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड इनटू दिस पोर्शन, सो इट इज़ बेसिकली नोन एज एरोड्रोम ट्रैफिक जोन। सो अगला आता है एयरक्राफ्ट क्लासिफिकेशन नंबर। एयरक्राफ्ट क्लासिफिकेशन नंबर में हम देखेंगे कि जो एयरक्राफ्ट है, जैसे कि ये पेवमेंट के ऊपर में है, पेवमेंट यानी कि जो ज़मीनी सतह है, ये वाली जो ज़मीनी सतह है उसको हम बोलते हैं पेवमेंट, जिसका ये बना हुआ होता है, ठीक है। तो उसका कुछ स्ट्रेंथ होता है, और प्लेन जब कोई इस पे लैंड करता है तो कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, स्ट्रेस स्ट्रेन लगता है, तो उसका जो क्लासिफिकेशन होता है एयरक्राफ्ट को हर तरह से क्लासिफाई किया जाता है कि हाँ ये इतना लोड देगा किसी पेवमेंट के ऊपर में, या इतना लोड ले सकता है, सह सकता है, इतना प्रेशर झेलेगा। ये जो नोटिफिकेशंस होते हैं ना, ये जो नंबर्स होते हैं, ये क्लासिफाई जो करती हैं, तो उसको कहा जाता है एयरक्राफ्ट क्लासिफिकेशन नंबर को। अब देखते हैं एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन नंबर जोन, सॉरी। तो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन क्या है कि हम, ये कोई भी एक डिफाइंड एयर स्पेस होगा जिसके अंदर में घुसने के लिए हमें परमिशन चाहिए होगी, यानी कि कोई भी सिविल एयरलाइंस है वो अगर इंडिया में घुसना चाह रही है तो उसको पहले परमिशन लेना पड़ेगा कि इस एरिया में आने से पहले हम उसको आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा कि हम ये हैं, हम यहाँ से आ रहे हैं। तो जब वो आइडेंटिफिकेशन दे देगा तब हम उसको अलाउ कर सकते हैं कि आप आ जाइए। तो ये पर्टिकुलर एक लोकेशन पे होता है जहाँ पे मूवमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट जो है कंट्रोल किया जाता है, कि भाई आना जाना जो है कंट्रोल किया जाता है, जिसमें बेसिकली डिफेंस मैटर्स काफ़ी चीज़ें करते हैं। जैसे श्रीलंका से इंडिया के कोई प्लेन आ रही है तो वो ऐसा सिनेरियो सोच सकते हैं। एयर रिपोर्ट क्या होता है, ड्यूरिंग द फ्लाइट हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं देखते हैं कि मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस चेंज होती हैं, ऑपरेशनल कंडीशंस चेंज होती हैं, पोजीशन प्लेन का चेंज होता है, रूट चेंज हो जाते हैं, तो ये सब जो रिपोर्ट्स हैं ये सेंड की जाती हैं, और ये रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, AIREP।
और जो है पोमार कोड, तो ये AIREP जो है ये है एयर रैप, तो इसको बेसिकली एयर रिपोर्ट भी कहा जाता है। और पोमार आप सोच रहे होंगे कि यार पोमार क्या चीज़ है, तो पोमार एक्चुअली कोड्स होते हैं, पोमार कोड्स के फॉर्म में ये रिपोर्ट्स को भेजे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम एयर रूट्स पे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिस रूट का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है एयर रूट। एयर ट्रैफिक एडवाइजरी सर्विस, तो जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि ये एडवाइजरी बॉडी है, एक ऐसी बॉडी जो कि सर्विस क्या प्रोवाइड करती है, एडवाइस कराने की। यानी कि कोई भी दो प्लेन्स हैं अगर हवा में उड़ रहे हैं तो उन दोनों के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, एक सेपरेशन होना चाहिए जिससे कि दोनों प्लेन्स टकरा ना जाएं। अगर आसमान में ज़्यादा ऊपर उड़ रहे हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स के हिसाब से उड़ते हैं, तो IFR के हिसाब से वो जो उड़ते हैं तो उनको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान जो ये सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को कहा जाता है एयर ट्रैफिक एडवाइजरी बॉडी, और या फिर एयर ट्रैफिक एडवाइजरी सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर क्या होता है, देखिए बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। और क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर, तो देखिए सबसे पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो जितना उसका पास एरिया अलॉटेड है उतने एरिया में वो एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा, यानी कि प्लेन्स की आने जाने और घूमने की जो प्रॉपर डेफिनेशन है ना वो उसको अच्छे से देख रेख करेगा उसकी। दूसरी चीज़ क्या है, फ्लाइट की इंफॉर्मेशन सर्विस देगा, मतलब कोई भी फ्लाइट आ रही है जा रही है, एक फ्लाइट को दूसरी फ्लाइट का इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फ्लाइंग के टाइम पर आप देखते होंगे कि एक फ्लाइंग अगर आप प्लेन उड़ा रहे हैं माइक्रोलाइट में बैठे हुए हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ सामने से कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है या कुछ भी है, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। दूसरी चीज़ ये अलर्टिंग सर्विस, अगर मान लीजिए कोई प्लेन आ रहा है सामने से और आप फ्लाइंग कर रहे हैं उस ड्यूरेशन में, तो आपको तुरंत अलर्ट किया जाता है कि यहाँ पे कोई इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, तो आपको अलर्ट किया जाता है। तो ये सारे काम एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर के अंडर में आते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्लियरेंस, देखिए इसमें क्या होता है कि हमारा प्लेन जब हम टेक ऑफ करने जाते हैं या लैंडिंग करते हैं तो हमको क्लियरेंस लेनी पड़ती है, ऑथराइजेशन लेना पड़ता है कि हम लैंड कर सकते हैं या टेक ऑफ कर सकते हैं कि नहीं। तो वो जो कंट्रोलर है उसे कहा जाता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट, तो ये हमें बेसिकली क्या है क्लियरेंस देता है कि हाँ रास्ता साफ है आप उड़ सकते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विसेज क्या हैं, बेसिकली ये हमें क्या उनके से पर्पस हमारे फुलफिल करती है देखते हैं। सबसे पहले दो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके कोलिजन से बचाती हैं हमें हवा में, साथ ही साथ अगर हम मैन्यूवर कर रहे हैं एक एरिया में घूम रहे हैं रोटेट कर रहे हैं इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का तो उसमें कोलिजन में हेल्प करता है कि ना हो। दूसरी चीज़ ये कि एक्सपीडाइटिंग एंड मेंटेनिंग एन ऑर्डरली फ्लो ऑफ ट्रैफिक, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि एक ऑर्डरली एक प्रॉपर मेंटेन करके रखता है चैनल को कि एक प्लेन आएगा फिर दूसरा आएगा तीसरा ऐसे जाएगा, उस तरीके से एक चैनल के वे में वो प्रॉपर फंक्शन करता है। और आप देखते हैं कई सारे कॉल साइंस इसमें देखे जाते हैं, टावर अप्रोच ग्राउंडिंग लैंडिंग, ये आपने कई सारी चीज़ें सुनी होंगी, तो इस तरीके के जो टर्मिनोलॉजीज हैं सफिक्स हैं इसको यूज़ किया जाता है इस टाइम पे। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं क्या क्या सर्विसेज हैं यहाँ पे, एमरजेंसी ATC एंड ये वो, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। एयरवे, ये सबसे सिंपल है, देखो जैसे कि बसेज होती हैं तो रोडवेज होता है, वैसे अगर शिप्स चलती हैं तो वाटरवेज होता है, वैसे सिंपल एयर होता है। तो एयर में कौन से रास्ते, एयर जो जिस रास्ते से हम जाएंगे उसको एयरवे कहा जाता है, और उस एयरवे में जिस रास्ते से हम जा रहे हैं तो वहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। अब वहाँ स्ट्रीट लाइट तो लग नहीं सकती, तो वहाँ क्या होगा, रेडियो नेविगेशन एड्स होगा, यानी कि ऐसे इक्विपमेंट्स होंगे जिससे हम कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकें पायलट के साथ में, तो उसको कहा जाता है एयरवे। हेडिंग, यानी देखो ये फ्लाइट में ये प्लेन आपको दिख रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये ऊपर इसका जिस तरीके से मुंह उठा हुआ है, यानी कि जिस तरीके से वर्टिकल इसका जो माउथ है ऊपर उठा हुआ है जिस डायरेक्शन में, उस तरफ हम कहेंगे कि प्लेन उस तरफ हेड कर रहा है या उस तरफ जा रहा है। हाइट, तो देखिए वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है ना यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप देख रहे हैं प्लेन का उसे कहा जाता है हाइट। बेसिकली हाइट जो है वो ज़मीनी सतह से, यानी कि ये जो ज़मीनी सतह है यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपकी हाइट है उसको कहा जाता है। अब आता है होल्डिंग पॉइंट, तो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जो कि या तो एयरक्राफ्ट जो है किसी न किसी पॉइंट के आसपास में घूमता रहता है, लोकेट हम उसको कर सकते हैं या तो विजुअली लोकेट कर सकते हैं या फिर कोई इक्विपमेंट्स की मदद से हम लोकेट कर सकते हैं कि एयरक्राफ्ट यहाँ पे है इस एरिया में रुका हुआ है, हम उसको वहाँ पे किसी एरिया पे रोक सकते हैं कि मतलब आप इस एरिया में मैनूवर करते रहिए यहाँ पे रहिए, उसको होल्ड पे रखते हैं, उसे होल्डिंग पॉइंट कहा जाता है।
तो लोड क्लासिफिकेशन नंबर किसे कहा जाता है, जैसे देखो कोई ये पेमेंट है एक, यानी कि एक रनवे है, इसके पास एक कुछ स्ट्रेंथ होगी, ये इतने ही मान लो कि इसके ऊपर मैं चाहूँगा जंबो जेट उतारना तो वो नहीं उतर सकता है, तो इस पे छोटे प्लेन्स उतरेंगे, तो इसका एक क्लासिफिकेशन नंबर होगा कि ये इंडिकेशन बताएगा कि इसका क्या मटेरियल का बना हुआ है, कितना लोड ये सह सकता है, स्ट्रेंथ बताता है बेसिकली ये पेमेंट या रनवे का। प्रोहिबिटेड एरिया, ये कैसा एरिया होता है लैंड के ऊपर में, कैसा लैंड जो कि टेरिटोरियल वाटर ऑफ द स्टेट पे है, यानी कि कोई भी ऐसा स्टेट, स्टेट मतलब ये नहीं कि भाई यूपी बिहार झारखंड, ये नहीं, स्टेट मतलब होता है कंट्री, तो कोई भी कंट्री है तो उसका कोई एरिया है तो वहाँ अगर जाना मना है तो वो आता है प्रोहिबिटेड एरिया के अंडर में। रेस्ट्रिक्टेड एरिया क्या है, ये लैंड एज वेल एज वाटर में हो सकता है एरिया किसी भी स्टेट का, किसी कंट्री का, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन हो कि हाँ फ्लाइंग नहीं कर सकते, जैसे किसी भी कंट्री का एम्बेसी होता है उसके ऊपर आप फ्लाई नहीं कर सकते, परमिशन चाहिए होती है, अगर आप फ्लाई करते हैं तो बेसिकली नो फ्लाई जोन होता है, या प्रेसिडेंट का घर है या प्राइम मिनिस्टर का घर है। QFE, अब देखिए ये बहुत ध्यान से आपको देखना है, QFE, QNH और QNE क्या होता है, यहीं पे आप समझ लीजिए क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा और एक बार समझ लोगे ना तो बहुत सिंपल रहेगा आपके लिए। बेसिकली ये आपको एक दिख रहा होगा, ये क्या है, ये है एक एयरपोर्ट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है, तो ये जो हाइट है इसको आप कहेंगे कि ये जो हाइट है ये आपका QFE है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप ये देखिए QNH है ना, तो QNH में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यानी कि डेटम, यानी कि जो डेटम पॉइंट है आपका ये देखिए, ये आपका जो डेटम पॉइंट है, ये वाइट लाइन दिख रही है आपको, ये वाइट लाइन से लेके यहाँ जब प्लेन है इसको यहाँ पर उठ रहा है तो उसको QNH यानी कि ऑल्टीट्यूड भी उसको कह सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि ये है फ्लाइट लेवल, फ्लाइट लेवल किसको, अगर मान लो कि मैं यहाँ से जो बेसिक डेटम है, जो स्टैंडर्ड है, वहाँ से अगर ले रहा हूँ इसकी हाइट, यानी कि ये ब्लैक लाइन, ये फ्लाइट का लाइन है, फ्लाइट यहाँ उठ रही है, और अगर मैं ये ज़मीन ब्लैक लाइन पर लेके जाता हूँ, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ तक जो भी है हाइट, वर्टिकल डिस्टेंस, उसको हम QNE भी कहा जाता है, जैसे यहाँ पे देखो ये QNE है ना यहाँ लिखा हुआ, और ये है फ्लाइट लेवल, तो दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो इसमें हम, मैं आपको अच्छे से और बता देता हूँ, जैसे कि मान लो कि ये मेरे ज़मीन है, ठीक है, और ये यहाँ पे हमारा पानी है, ठीक है, बेसिकली पानी मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ से अब हम कैसे जाएंगे। तो अब हम देखते हैं, अगर मान लो मेरा ये यहाँ पे प्लेन ऐसे उड़ रहा है, ठीक, तो अगर मेरा ये प्लेन उड़ रहा है तो मैं यहाँ से अगर ज़मीन से नापता हूँ तो इसको क्या कहेंगे, QFE हम इसको कहेंगे QFE। अगर मान लो कि मेरा एरोप्लेन जो है अब उड़ रहा है यहाँ पे और मैं यहाँ से उसकी हाइट जो है नाप रहा हूँ, तो इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा QNH, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब मान लो कि मैं मेरे फ्लाइट का जो है हाइट नाप रहा हूँ कहाँ से, एक स्टैंडर्ड लाइन है, एक स्टैंडर्ड लाइन है, मान लो कि ये एक स्टैंडर्ड लाइन है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड लाइन है, यहाँ से मैं अगर इसकी हाइट नाप रहा हूँ प्लेन की, तो उसको हम कहेंगे QNE, ठीक है, QNE। तो देखते हैं यहाँ पे, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है तीनों चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है QFE है, यहाँ से यहाँ तक की QNH है, और यहाँ से यहाँ तक QNE है। अब आगे चलते हैं, इतना मन में ध्यान रखिएगा। देखिए ट्रांजिशन ऑल्टीट्यूड क्या होता है, बेसिकली जो फ्लाइट लेवल्स हैं, आप यहाँ देखिए इस डायग्राम में फ्लाइट लेवल्स क्या हैं, ट्रांजिशन लेवल, ट्रांजिशन लेयर और ट्रांजिशन ऑल्टीट्यूड। तो ये ट्रांजिशन लेवल, ट्रांजिशन लेयर, ट्रांजिशन ऑल्टीट्यूड। तो ये जो प्लेन है ज़मीनी सतह से कुछ वर्टिकल डिस्टेंस पे उड़ रही है, तो जब ये एक लेयर से दूसरी लेयर में जाएगी, लोकेशन बेसिकली बताता है कि हम कौन से लेयर में उड़ रहे हैं। जैसे जैसे हमारा प्लेन ऊपर जाता है प्रेशर डिक्रीज होता है, ठीक है, तो हम ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो या तो हम मीन सी लेवल से ले सकते हैं, जैसा कि ये जो था, ये जो हाइट है ना QNH वाला, ये मीन सी लेवल से लिया जाता है, ठीक है,
तो वैसे ही या तो आप मेन सी लेवल से ले लीजिए या फिर आप ज़मीन के ऊपर कोई एयरपोर्ट है तो वहाँ से आप हाइट लीजिए, जिसको QFE भी कहा जाता है। ठीक है, ये देखो, ये ज़मीन से अगर हम हाइट लेते हैं प्लेन का तो उसको कहा जाता है QFE, अगर हम प्लेन की हाइट मीन सी लेवल से ले रहे हैं तो उसको कहा जाता है QNH, और अगर हम प्लेन की जो हाइट है वो अगर हम एक स्टैंडर्ड प्रेशर से ले रहे हैं यानी कि 1013 हेक्टा पास्कल से अगर ले रहे हैं तो हम उसको कहेंगे फ़्लाइट लेवल्स। तो अब ये जो फ़्लाइट लेवल यहाँ पे हमने देखा वही सेम चीज़ है, फ़्लाइट लेवल्स भी डिफाइंड है कि इतने से इतना किलोमीटर मीटर फीट जो भी आप लेना चाहें उसमें इतना ये ट्रांजिशन ऑल्टीट्यूड कहलाएगा, इतने फीट पे ट्रांजिशन लेयर कहलाएगा या इतने फीट पे ट्रांजिशन लेवल कहलाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप यहीं समझ लीजिए ट्रांजिशन ऑल्टीट्यूड, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो आप ट्रांजिशन ऑल्टीट्यूड मान सकते हैं। हर कंट्री का अलग अलग होता है, तो किसी का 2000 फीट होगा, किसी का 6000 फीट, तो इस हिसाब से होता है। दूसरा आता है ट्रांजिशन लेयर, तो ट्रांजिशन ऑल्टीट्यूड के ऊपर आता है ट्रांजिशन लेयर। बेसिकली अपने कंट्री में 500 फीट मैक्सिमम डेप्थ उसकी ली जाती है, इसके ज़्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो और आगे देखते हैं ट्रांजिशन लेवल, तो ट्रांजिशन ऑल्टीट्यूड, ट्रांजिशन लेयर और ट्रांजिशन लेवल। ट्रांजिशन लेवल बेसिकली सबसे ऊपर होता है, और आपको पता है कि प्लेन हम धरती की सतह से जितना ऊपर जाएंगे प्रेशर जो है डिक्रीज होता है, और अगर हम नीचे आएंगे तो प्रेशर, अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है डिक्रीज़, और अगर हम आसमान से ज़मीन की तरफ आ रहे हैं पानी के अंदर जा रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा इंक्रीज़। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ट्रांजिशन लेवल तक जाएंगे तो हमारा प्रेशर क्या होगा डिक्रीज़। ठीक है, हाइट इंक्रीज़ होगी लेकिन प्रेशर डिक्रीज़ होगा, तो हमारा जो ऑल्टीमीटर है वो क्या बताएगा कि हमारी हाइट ऊपर जा रही है। विजिबिलिटी, अब विजिबिलिटी को देखो कि यार फ्लाइंग कंडीशन तभी हो सकता है जब विजिबिलिटी हमको दिखे कि आगे क्या चल रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्लाइंग कंडीशन के लिए सबसे पहले आप देखते हैं विंटर्स में मेनली बहुत प्रॉब्लम होता है, फॉग मिस्ट इतना ज़्यादा होता है कि हम फ्लाई नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा तब देखा जाता है जब, और अगर मान लो नॉर्मल डेज है, रेनी डेज हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि बादल बहुत आ जाते हैं, तो बादल आने की वजह से विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो विजिबल कंडीशंस बहुत ज़रूरी होती हैं, इसीलिए विजिबिलिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है फ्लाइंग के टाइम पे। QNH मैंने आपको उस टाइम बताया, QNH मीन सी लेवल से जो प्लेन की हाइट होती है वो नापी जाती है। जैसे कि ये देखिए, ये है हमारा, ये क्या है मीन सी लेवल, ये समुद्र दिख रहा है, जब समुद्र तल से हम ऊंचाई नापते हैं ना किसी प्लेन की तब उस ऊंचाई को क्या जाता है ऑल्टीट्यूड, और जब हम एयरपोर्ट से किसी प्लेन की ऊंचाई नापते हैं तो उसको कहते हैं हाइट। ठीक है, और अगर मान लो, चलो छोड़ो अगले आगे दिखाता हूँ, ये ICAO आप सोच रहे होंगे ICAO क्या है, तो इंटरनेशनल जो है ये है कमर्शियल, और क्या है सोचो सोचो कमेंट बॉक्स में लिखो, ये चीज़ आपको फाइंड आउट खुद करनी है, ये जानबूझ के यहाँ रखा है तो इसका मतलब आप बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या है, देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कितने लोगों को पता है, ये बहुत ही सिंपल है। चलिए अब आते हैं अलर्टिंग सर्विसेज की तरफ, तो अलर्टिंग सर्विसेज क्या होती हैं, अलर्टिंग सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो आपको अलर्ट करती हैं, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो आपको अलर्ट करेगी किसी आने वाले डेंजर से, और रेस्क्यू और ऑपरेशन में सर्च में आपको हेल्प करेगी, उसे कहा जाता है अलर्टिंग सर्विसेज। अब आते हैं हम अल्टरनेट एरोड्रोम में, मान लीजिए कि आप यहाँ से निकले हैं इधर के जाने के लिए, डेस्टिनेशन आपका ये है, बट अब जब यहाँ आप पहुँच रहे तो आपको पता चला भाई यहाँ पे फुल जगह है, आप दिल्ली जाने के लिए निकले और आपको बोल रहे कि यहाँ जगह नहीं है आप चंडीगढ़ उतर जाओ, तो फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि यार छोड़ यार ठीक है, फिर चंडीगढ़ आप निकल जाओगे, तो चंडीगढ़ जाने में आपका कुछ और फ्यूल खर्च होगा, दूसरी जगह आपने पहले से, तो ऐसा कभी कंडीशन होगा तो उसके लिए क्या होता है कि हम पहले से प्री प्लान्ड होते हैं कि मान लो अगर यहाँ पे हम नहीं उतर सकते तो हम दूसरी जगह उतर सकते हैं, ये हमको स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है कि आप अगर यहाँ नहीं हो तो दूसरी जगह आप उतर सकते हो, तो फ्लाइट प्लान कहा जाता है उसे, तो इसको अल्टरनेट एरोड्रोम कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ चुके हैं, अब ऑल्टीट्यूड पे आते हैं, ऑल्टीट्यूड मैंने बहुत बार आपको बता दिया कि जब हम मीन सी लेवल यानी कि हम समुद्र तल से, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये है समुद्र, इधर MSL लिखा हुआ है, यहाँ से जब आप प्लेन की हाइट नापते हैं तो उसको कहते हैं ऑल्टीट्यूड या फिर QNH, ऑल्टीट्यूड और QNH दोनों साथ में रहेंगे याद रखिएगा। सीलिंग, जब आप 6000 मीटर्स की ऊंचाई पे उड़ रहे हो या फिर 20000 फीट की ऊंचाई आप ऊपर उड़ रहे हो तो सबसे जो लोएस्ट लेवल होता है, ठीक है, जो लोएस्ट आपको नीचे जो बादल दिखते हैं, जो बादल का एक पूरी पर्दा बना होता है, पूरी देखिए आप यहाँ देखिए पूरा बादल 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 हर जगह बादल है, तो ऐसा जब दिखे तो आप समझ लेना वो क्या है सीलिंग है।
डेंजर एरिया वो एरियाज़ होते हैं जिसका डायमेंशन, यानी कि कोई ऐसा एरिया जो डिफाइंड हो कि हाँ भाई ये एरिया ऐसा है जो ख़तरनाक है, यहाँ तो बिल्कुल मत जाना, तो उसको कहते हैं डेंजर एरिया। वहाँ एयरक्राफ्ट को नहीं उड़ना चाहिए क्योंकि वहाँ ज़मीनी तौर पर बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एयरक्राफ्ट को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे अगर हम अफ़गानिस्तान से उड़ा के ले जाएंगे तो फोड़ दिया जाएंगे हमारे प्लेन को, तो वो डेंजर एरियाज़ में आते हैं। फिर डिस्ट्रेस मैसेजेस, अब देखो यहाँ पे क्या है, दो आपको दिख रहा है, तो पहला हम ये देखो, पहले ये जो प्लेन है आप इसको में क्या देख रहे हो कि ये प्लेन में शिवर कर रहा है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे पंखे को हिला रहा है। ये कब करता है, जब हमको कोई ऐसा कंडीशन आता है कि हमारा प्लेन जो है ना हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे ATC के साथ में, तो ATC के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे तो उनको कैसे बताएंगे कि भाई हमको क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम कम्युनिकेशन करेंगे। तो प्लेन क्या करता है, अपने आप को पंख जो है हिलाता है लेफ्ट राइट हिलाता है, और ग्रीन कलर अगर रात है तो रात के टाइम पे वो ग्रीन सिग्नल भी बताएगा, कब, जब उसको मैसेज रिसीव हुआ जो ATC उसको बोल रहा था बट, और उसने समझ भी आ गया बट वो रिप्लाई नहीं कर सकता, तो वो कैसे रिप्लाई करेगा, इस तरीके से प्लेन की मूवमेंट करके। और अगर मान लो उसको मैसेज मिल गया उसको लेकिन समझ में नहीं आया कि क्या मैसेज था, तो वो इस तरीके से गोल गोल घूमेगा, यहाँ से ऐसे गोल गोल घूम के बताएगा कि मुझे भाई समझ में नहीं आया, तुमने जो भी बोला है मुझे फिर से समझाओ। या फिर वो रात के समय क्या करेगा, रेड लाइट को ब्लिंक करेगा जिससे उसको पता चलेगा नीचे वालों को, ATC वालों को, कि हाँ भैया इसको समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ। नेक्स्ट हम आते हैं एलिवेशन के ऊपर में। तो एलिवेशन बेसिकली देखो, आप कोई भी ज़मीन से, मतलब ये दिख रहा है आपको समुद्र, MSL लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे MSL लिखा हुआ है, और ये देखो ग्रीन एरिया में यहाँ पर आपको एलिवेशन लिखा हुआ है। तो ये तो यानी कि मीन सी लेवल, यानी समुद्र तल से ज़मीन के ऊपर कुछ भी अगर बना हुआ है ना, मानो पहाड़ है, पत्थर है, ज़मीन है, कुछ भी है, तो उसकी जो हाइट होगी ना उसको कहेंगे एलिवेशन, सबसे सिंपल भाषा में, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, यानी कि ऐसा समय जिस पर हम सोचते हैं कि हाँ भैया अब तो प्लेन आ जाएगा, लेकिन कुछ भी टाइम पे होता नहीं है, जैसे कि हमको आदत है ट्रेन वगैरह की। तो IFR हो या VFR, यानी कि इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स हो, या तो प्लेन अगर इंस्ट्रूमेंट्स पे उड़ रहा है, या भले ही उसको हम खुद देख के उड़ा रहे हैं, कुछ भी कंडीशंस हो, तो ऐसा एक्सपेक्टेड टाइम किया कैलकुलेट करते हैं कि भाई इतनी स्पीड से अगर प्लेन उड़ के आ रहा है एक पॉइंट से, ये कंडीशंस हैं, तो प्लेन को इतने टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। तो वो जो एस्टिमेशन हम करते हैं उसको कहते हैं एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। तो अब हम देखते हैं फ़्लाइट लेवल्स क्या होते हैं। फ़्लाइट लेवल्स मैं आपको बता चुका हूँ, तीन लेवल्स थे, ट्रांजिशन में ट्रांजिशन लेवल, ट्रांजिशन लेयर, ट्रांजिशन ऑल्टीट्यूड। और यहाँ पे हम देख रहे हैं तीन चीज़ें, देखो वैन QNH किसके साथ रिलेटेड है, QNH ऑल्टीट्यूड के साथ रिलेटेड है। QFE किसके साथ रिलेटेड है, तो QFE हाइट के साथ में रिलेटेड है। QFE अगर कहीं लिखा है तो समझ लेना हाइट है, QNH लिखा है तो समझ लेना ऑल्टीट्यूड। और ये ऑल्टीट्यूड कहाँ से लिया जाता है, ये लिया जाता है हमारा मीन सी लेवल से। QFE कहाँ से लिया जाता है, एयरपोर्ट जो सतह है, जो सरफेस है, वहाँ से लिया जाता है, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड जो मैंने बोला था कि 1013 जो मेगा ये क्या है, मिली बार है, ठीक है, और ये हेक्टो पास्कल। तो HPA में हमने बेसिकली देखा, HPA लिखा था हर जगह, तो हम HPA में लेते हैं, तो 1013.2 हेक्टो पास्कल जो है ये स्टैंडर्ड डेटम हम लेते हैं। बेसिकली क्या है, डेटम पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मान लो डेटम मतलब होता है रेफरेंस पॉइंट। हम ज़मीन वाले में क्या कहते हैं, मान लो ये ज़मीन है, ठीक है, और ये समुद्र है, या फिर और ठीक है समुद्र है, और ये है मेरा 1013 वाला 1013.2, ठीक है, ये है ये स्टैंडर्ड मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो ये डेटम है, मैं अगर प्लेन, ये मेरा प्लेन है, ठीक है, यहाँ से मेरा इतना बड़ा प्लेन है मेरा, ठीक है, तो ये प्लेन है, तो अगर मैं इसको रेफरेंस मान रहा हूँ, तो यहाँ से रेफरेंस मैं इसको हाइट लूँगा, तो इसको हम कहेंगे QFE या फिर हाइट। अगर मैं मीन से समुद्र के तल को रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ, तो मैं इसको क्या बोलूँगा यहाँ से, भाई मेरा अल्टीट्यूड इतना है, किसी को बताऊँगा कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो मैं कहूँगा मेरी अल्टीट्यूड इतनी है। और अगर मान लो कि मैं इसको रेफरेंस मान रहा हूँ, इस प्रेशर को, तो इसको मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई मैं इतने QFE पे उड़ रहा हूँ, या फिर 1013.2 हेक्टो पास्कल पे उड़ रहा हूँ ऊपर। तो ये क्या है, बेसिकली प्रेशर। अल्टीमीटर क्या है, एक प्रेशर बैरोमीटर है, तो वो ना प्रेशर के हिसाब से काम करता है। जैसे क्या होता है कि अल्टीमीटर में क्या होता है कि प्रेशर के हिसाब से कैसे काम करता है, जैसे मान लो कि हम ज़मीन से जितना ऊपर जाएंगे ना हमारा प्रेशर डिक्रीज़ होता है, तो अल्टीमीटर क्या करता है कि प्रेशर को कन्वर्ट करता है किस में, हाइट में, तो वो मीटर में हाइट शो करेगा हमें।
जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज होगा तो वैसे वैसे हाइट हमारी ऊपर हम जा रहे हैं तो प्रेशर कम होगा, तो इसलिए हमको हाइट ज़्यादा दिखाएगा। अगर मान लो हम लैंड करने वाले हैं तो प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ने के साथ हमारा मीटर क्या शो करेगा कि हमारा डिस्टेंस जो है वर्टिकल डिस्टेंस वो कम हो रहा है। तो जब डिस्टेंस वर्टिकल कम हो रहा है तो यानी कि हम ज़मीन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रेशर के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1013 जो है मेगा पास्कल, सॉरी हेक्टा पास्कल जो है उसका स्टैंडर्ड SI यूनिट है, ठीक है। अल्टीट्यूड और हाइट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि हाइट हम नापते हैं एयरपोर्ट से, अल्टीट्यूड नापते हैं मीन सी लेवल से, ठीक है। अल्टीमीटर करेक्शन कितना है, 1013.2। अगर मान लो कि हम डेटम लाइन QNE को लेके चल रहे हैं तो इतना हमारा वहाँ पे प्रेशर रहता है। ये देखो ये डायग्राम है, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। एक बार आप अच्छे से देख लो इसको शांति से पॉज करके। लास्ट में आते हैं फ्लाइट प्लान। कोई भी प्लेन उड़ाने से पहले, कहीं जाने से पहले हम प्लान बनाते हैं कि ये करना है वो करना है, तो वो जो प्लानिंग होती है उसको कहते हैं फ्लाइट प्लान। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन हम रखते हैं इकट्ठा करके। तो और ये जो संभालने वाला, अगर कोई दिक्कत हो गया तो कौन हमें को संभालेगा, तो एयर ट्रैफिक सर्विस यूनिट्स जो हैं वो हमें, एयर ट्रैफिक सर्विस यूनिट्स हमें संभालेंगी, वो हमारे को हेल्प करेंगी जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आप चाहते हैं कि ये मैं ऐसे वीडियोस और बनाता रहूं, तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप इसको फैलाएंगे उतने लोगों तक ये पहुँचेगा, आपके दोस्तों को सबको हेल्प होगी और मेरा चैनल और ग्रो करेगा। मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं और कैसे वीडियोस बनाऊँ, और इसमें कोई इम्प्रूवमेंट है तो वो भी आप बता सकते हैं। वीडियो आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें इस वीडियो से। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर अपने सजेशन दीजिए कि इस वीडियो में क्या आप चाहते हैं और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, वो भी बताइएगा। थैंक यू।